हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके तैयारी भी अच्छे से चल रही हो। आज का जो टॉपिक है थोड़ा डिफरेंट टॉपिक मैंने रखा हुआ है और मैं यहाँ पे कुछ अपने पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और जितने भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो मैं पर्सनल लाइफ में जिधर मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है और जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, जो मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, मैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ। कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल सच्चाई है, बट यह कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है और जो मैंने फेस किया है मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। जितना भी मेरे वीडियो में आपको यदि कोई भी यूजफुल कंटेंट लगे तो आप कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं कि हाँ सर ऐसा होता है या फिर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो कोई भी यदि हम बात बोलना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं कि 100% स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है। इसलिए मैं यहाँ पे आपको वीडियो के माध्यम से सब कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। और आज की डेट में देखा जाए जैसे एग्जाम बिल्कुल पास में आ गया है तो मैं आपको इस तरह के वीडियो के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आज का टॉपिक जो मेरा है आज के वीडियो का वो है डिसिप्लिन। आप सभी को पता है स्टूडेंट्स लाइफ में बचपन मीन जब हम फर्स्ट क्लास में आते हैं जब से हमें समझाया जाता है डिसिप्लिन, तो सर अभी ऐसी क्या बात होगी जो आप डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं? तो एग्जाम से पहले जो डिसिप्लिन है वो अलग तरह का डिसिप्लिन है जो आपको मेंटेन करना चाहिए, आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है। और जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स गलतियां कर जाते हैं कई बार और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स कई बार उनको मेंटेन कर लेते हैं। तो डिसिप्लिन है क्या मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे तो डिसिप्लिन का मतलब आप सभी को पता है अनुशासन। अब अनुशासन वो किसी का टाइप का भी हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पे आपके क्राइटेरिया जो रखा हुआ है, क्योंकि आपका एग्जाम बिल्कुल जस्ट पास में है, 1 month एग्जाम का बचा हुआ है नियर अबाउट, या फिर आप पहले से मीन्स 4 month से आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आप डिसिप्लिन किस तरह मेंटेन कर रहे हो, वो अभी मैटर नहीं करेगा। बस अभी मैटर करेगा कि एट ए टाइम आप क्या कर रहे हो, क्योंकि पास्ट में जो हो चुका है उसको आप नहीं बदल सकते, बट हाँ जो फ्यूचर में होने वाला है उसको आप बदल सकते हो कि आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये गलतियाँ मैं कर रहा हूँ या ये गलतियाँ मैं कर रही हूँ। तो मैं वही बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो डिसिप्लिन में आता है सबसे पहले हमारा उठने का टाइम, मॉर्निंग जो हमारा उठने का टाइम होता है, उसके अलावा फिर हमारा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और हमारा सोने का टाइम, मीन्स जो रूटीन है हमारा डेली रूटीन। क्योंकि आप ऐसे तो नहीं कोई जॉब कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप मैं स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे रखने वाला हूँ मैं आपको कि आपकी ये तीनों चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए, सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए। और उसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपका उठने का टाइम नियर अबाउट मीन्स ऑलमोस्ट फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक दिन 6 बजे उठ रहे हो, दूसरे दिन 10 बजे उठ रहे हो, ठीक है? उन सब चीज़ों को मैं आपको फैक्ट बताऊंगा, उन सब चीज़ों से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है कई बार स्टूडेंट्स, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा बड़ा होता है वीडियो, क्योंकि कोई भी टॉपिक समझाने के लिए हमें उस पूरा डेप्थ तक जाना पड़ता है समझाने के लिए, तब जाके टॉपिक समझ में आता है। मॉर्निंग में उठने का टाइम और सोने का टाइम, जैसे स्टूडेंट्स लाइफ में बोला जाता है कि आपको 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए, 8 घंटे बोला जाता है, लेकिन 6 से 8 घंटे की नींद सफिशियंट है यदि आप प्रॉपर ले रहे हो। यदि आप प्रॉपर नींद आ रही है, आपको अच्छे से नींद आ रही है, तो 6 से 8 घंटे सफिशियंट नींद है, आप अपना सो सकते हैं। अब बात करते हैं सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो सबसे पहले जब एग्जाम होता है, तो जैसे मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ वीडियो में कि हमारा एग्जाम का जो टाइमिंग होता है 9 से 12 या 2 से 5, तो 2 स्लॉट में तो आपको सोना ही नहीं है, मैंने आपको बोला अभी से ही, क्योंकि 1 month एग्जाम का है तो 1 महीने पहले से हमें 21 डेज लगते हैं कोई भी हैबिट डालने के लिए, तो उस टाइम पे तो आपको सोना नहीं है। उसके अलावा यदि आपका खाने पीने और सोने का टाइम फिक्स होगा, तो उसके अलावा जो रिमेनिंग टाइम है ना, आप उसको प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं। अभी जनरली स्टूडेंट्स क्या होता है एग्जाम के आसपास इतना प्रेशर होता है कि लगता है कि आज ही सब कुछ पढ़ देता हूँ, तो वो किसी दिन सुबह के 4 बजे सो रहा है, किसी दिन सुबह के 5 बजे सो रहा है, और कई बार तो रात रात भर पढ़ लेता है, क्योंकि उसको इतना प्रेशर है और इतना मीन्स उसका अंदर डेडिकेशन भी है, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन एक बात होता है, यदि एक दिन पूरी रात पढ़ देगा कोई स्टूडेंट पढ़ेगा, तो अगले दिन तो पूरा दिन सोएगा ना, और सोएगा तो माइंड पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल रूटीन नहीं है। तो एग्जाम के आसपास कोई भी ऐसा रूटीन ना बनाए जो आपकी बॉडी को माइंड को इफेक्ट करे, क्योंकि आपका एग्जाम में माइंड फ्रेश होना मीन्स एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। तो जनरली एग्जाम के आसपास स्टूडेंट्स जल्दी ज़्यादा सिलेबस कवर करने के चक्कर में कई बार क्या होता है कि रात रात भर जाग के पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करना अच्छी बात है, लेकिन रात भर जागने से जो आपका जो सिस्टम, जो डिसिप्लिन, जो पहले से आपका रूटीन बना रहा था, आप उसको एकदम चेंज कर देते हो, एकदम बदल देते हो, तो उससे आपका सीधा इफेक्ट माइंड पे जाता है, हेल्थ पे जाता है, और कई स्टूडेंट्स को हेल्थ का इशू बहुत ज़्यादा होता भी है। और ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको कि आपने 5 दिन अच्छे से पढ़ाई की,
और आपने एक दिन आप हेल्थ या किसी वजह से आप पढ़ नहीं पाए तो आपका एवरेज वहीं पे आ जाता है। तो आपको एक कंटिन्यूस वे में पढ़ाई करनी है तो आपको हेल्थ का यहाँ पे प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। हेल्थ को मैंने हमेशा बोला कि हेल्थ को आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए और वो भी एग्जाम के आसपास तो जरूर देना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका रूटीन फिक्स होना चाहिए। मीन्स यदि आपके रात के 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक सफिशेंट है, 2 के बाद मेरे हिसाब से पढ़ाई करने का मेरे हिसाब से कोई औचित्य नहीं बनता है। कि मीन्स आप यदि 12 बजे तक भी सो जा रहे हो, 1 बजे तक भी सो जा रहे हो, 2 बजे भी सो रहे हो, तो 2 बजे से आप 8 बजे 9 बजे तक आप उठ जा रहे हो, क्योंकि मैंने बोला 9 बजे से तो एग्जाम होता है 9 से 12, ठीक है। तो वो भी आपको हैबिट चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आपको सुबह 7 या 8 बजे तक उठ जाना है जिससे आप एग्जाम भी अच्छे से दे सको। मीन्स एग्जाम के टाइम पे उस ड्यूरेशन में आपका माइंड एक्टिव रहे। और ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि 9 से 12 या 2 से 5 वाले में आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, उस टाइम पे आपको माइंड को पूरा एक्टिव रखना है। जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाए आपको पता चल जाएगा आपका कौन से शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है, तो आपको उस ड्यूरेशन में उस 3 आवर्स में तो आपको माइंड को उसी स्लॉट में रखना है जैसे वहाँ पे एग्जाम में आपको चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारा माइंड, ये मैं आपको पहले शायद नहीं बोला, मैंने अभी तक नहीं बताया कि कोई स्टूडेंट सपोज करो 10 बजे सो जाता है और आप उसको किस दिन 12 बजे तक उठा कर रखो या 2 बजे तक उसको उठा कर रखो, सोने मत दो। तो 2 बजे उससे बात करोगे तो उसके विचार मीन्स उसकी थिंकिंग प्रोसेस थोड़ा धीमे पड़ जाएगा, उसका सोचने का समझने का नजरिया उसका बदल जाएगा क्योंकि उसका डेली सोने का टाइम है। उस टाइम पर उसके माइंड को रेस्ट चाहिए और उसको आप बैठा के उससे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो या उससे नॉर्मल बात कर रहे हो तो उसका माइंड या उसका बॉडी उस हिसाब से स्ट्रेंथ उसका पावर नहीं रहेगा पूरी तरह। तो ऐसे ही हमारे साथ भी होता है कि हम उस स्लॉट में डेली सोएंगे और अचानक हमें एग्जाम देना पड़ेगा तो हम बॉडी के हिसाब से तो एक्टिव रहेंगे क्योंकि हमारा एग्जाम है, हमें प्रेशर रहेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, कि हमें एग्जाम देना है, नेट का एग्जाम है, बट हमारा माइंड उस लेवल पर एक्टिव नहीं रहेगा जिस लेवल पर एक्टिव रहना चाहिए। ये यहाँ पे मेरी सबसे जो मैंने यहाँ पे अभी जो वीडियो का टाइटल रखा हुआ है डिसिप्लिन, बस डिसिप्लिन में यहाँ पे आपको 3 ही चीज़ें मेंटेन करनी है, सोने का टाइम, उठने का टाइम और खाने पीने का टाइम जो भी आपका है वो फिक्स रखो जिससे कि आप प्रॉपर रेस्ट भी ले सको और प्रॉपर पढ़ाई भी कर सको। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सपोज करो मुझे नींद नहीं आ रही रात को, भाई एग्जाम का प्रेशर होता है ना बहुत ज़्यादा, कई बार नींद नहीं आ रही तो हम क्या करते हैं उठ के पढ़ने लग जाते हैं, ठीक है, या फिर हम उठ के मीन्स ऐसे सोचते रहते हैं, मीन्स काफ़ी भाई कितना भी कंट्रोल करो नहीं होता कई बार कंट्रोल। तो कंट्रोल करने के लिए आपको बोला है कि आप योगा करो, ठीक है, एक योगा मीन्स एक्सरसाइज करो थोड़ा सा और योगा भी कर सकते हो माइंड को, जिसे बोलते हैं ना एकाग्रता बढ़ाने के लिए, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो योगा भी करो और एक्सरसाइज भी करो, दोनों चीज़ें करो, उससे आपको माइंड मीन्स थोड़ा सा जब सोते हो ना तो एटलीस्ट आप ये सोचो कि जो भी होगा वो होगा, मैं सुबह उठ के देखने वाला हूँ, अभी मुझे सोना है। मीन्स ऐसा नहीं कि एक दिन में आपके साथ ऐसा होगा, हाँ आप ट्राई करोगे 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन, आपको एक बार ऐसा लगेगा कि ठीक है, आपके लाइफ में कितनी भी टेंशन होगी ना, क्योंकि टेंशन तो ऐसा नहीं है एग्जाम के बाद खत्म हो जाएगी, बट टेंशन तो लाइफ टाइम चलेगी ना, कुछ ना कुछ चलता रहेगा ना मैटर लाइफ में, कुछ ना कुछ तो होता रहेगा ना। तो मैं यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जब भी सोने जाओ माइंड से सारी चीज़ें निकाल दो, ठीक है, जो भी आपकी हॉबी है, आपको कोई सीरियल देखना है या फिर आपको कुछ ऐसा करना, 15 मिनट आधे घंटा गेम खेलो और आराम से सो जाओ, चिल हो के सो, क्योंकि जितना अच्छी आप नींद लोगे उतने अच्छा आप अगले दिन काम कर पाओगे, बॉडी को उतना ही एनर्जी मिलेगा जितना आप अच्छे से सोओगे। आपको रात को नहीं नींद आएगी, आपको मींस कंफर्टली आप नहीं सो पाओगे तो अगले दिन अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, बस वीडियो के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की है कि आपको प्रॉपर डिसिप्लिन बनाना चाहिए, क्योंकि हमारा कई बार टाइम वेस्ट हो जाता है कि हमने रात भर जाग के पढ़ाई की है तो दिन भर हमारा फिर माइंड काम नहीं करेगा, आपका एवरेज सेम रहेगा। ध्यान, ऐसा नहीं कि आप रात भर जाग जाग के पढ़ाई करोगे तो आपकी बहुत ज़्यादा तैयारी हो जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो मैं यहाँ पे अपनी साइड से अलाउ नहीं करूँगा कि आप रात भर जाग के पढ़ाई करो, क्योंकि रात भर जाग के जो पढ़ाई करोगे ना, पढ़ तो लोगे, ठीक है, लेकिन वो कितना माइंड में स्टोर रहेगा वो भी बात है, क्योंकि आपका अभी तक का जो डिसिप्लिन था, अभी तक का आपका जो रूटीन था सोने का, वो 10 बजे 12 बजे था, अभी आप चेंज कर दोगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, अचानक ही चेंज कर दोगे तो वो वहाँ पे एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा बॉडी को भी और माइंड को भी। तो कई बार स्टूडेंट के साथ यहाँ पे हेल्थ का इशू आता है, बहुत ज़्यादा हेल्थ का इशू आता है, या फिर मीन्स माइंड प्रॉपर काम नहीं करता है, मीन्स जो चीज़ें पढ़ रखी थी हमें वो भी सही से रिकॉल नहीं होती है, बहुत बार ऐसा भी होता है। तो बेटर है कि आप मीन्स एक फिक्स शेड्यूल बनाएं और लेट नाइट ज़्यादा ना बनाएं, ज़्यादा अच्छा है। लेट नाइट मीन्स 12 बजे 1 बजे तक मैंने आपको बोला है, आप उससे ज़्यादा मैक्सिमम 2 बजे तक जा सकते हो। मैं बहुत स्टूडेंट्स को देखता हूँ
जो लेट नाइट पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो समरी है ना टोटम लै के, वो कितने टाइम उन्होंने पढ़ाई की। भाई सिंपल सी बात है, रात को एकांत मिलता है, आप एकांत में रहते हो, पढ़ाई करते हो, तभी तो बोला 2 बजे तक सफिशेंट है ना। ज़्यादा मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, आपका अपना चॉइस है। मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूँ, रास्ता दिखा सकता हूँ, फॉलो करना नहीं फॉलो करना आपके हाथ में है। बस ये जरूर बताएं कि आपको जो मैं यहाँ पे बातें बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जो समझाने की मैंने यहाँ पे कोशिश की है, आपको कितना वो मीन्स फील हुआ, और जितना जो भी आपको एक्सपीरियंस जो भी रियलाइज हुआ आपको मेरी बातें सुनकर, वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कि जिससे कि मैं आगे भी ऐसे वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।